हेलो एवरीवन वेलकम टू द आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था दैट इज माइकल सैन इंटफेरामीटर जिसमें मैंने आपको इसका सेटअप दिखाया था जैसा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये माइकल से इंटरफेरोमीटर जिसको मैंने आपको बताया था कि ऊपर से देखने पर आपको ये चीज नजर आती है यहाँ हम लोग प्लेस करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स और ये मिररर एम एंड मिररर एम टू मिररर एम जो कि हमारे पास में मूवेबल मिररर होता था और उसके थ्रू हमारे पास में इस पूरे सेटअप के थ्रू हमारे पास से फ्रिंजेस कुछ इस तरह की नज़र आती है अगर इसको आप एक्जैक्टली exactly देखें तो पूरा सेटअप आपको एक्चुअली साइड से कुछ हिस्सा से दिखता है तो आज हम लोग इसी माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज करके जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इसी माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज करके हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में और क्या क्या चीजें हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस क्या है किस तरह की फ्रेंजेस हमारे पास में फॉर्म होती है तो इसके लिए आप लोगों को इस चीज को याद रखना है कि जब भी मेरा एम और एम जैसे कि मैंने आपको बताया था मिरर M1 और M2 कुछ इस तरह से प्लेस होते हैं डायग्राम uh, के अंदर आपको कुछ इस तरह से लग रहा है मिरर M1 इधर है और M2 ऊपर है बट एग्जैक्टली exactly ये होता है इनका सेटअप कि M1 इस साइड तो मिरर M2 टू ही यहीं पर होता है तो जब ये दोनों मिरर M1 और M2 एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे बिल्कुल एक दूसरे के साथ में नाइन्टी डिग्री पर होंगे तब हमारे पास में जो फ्रिंजेस बनेगी वो सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी और ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो पार्ट डिफरेंस जनरेट होता है

माइनस लेमदा बाई टू तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा एल्सियम लेंगे हम लोग तो इक्वेशन बन जाएगी टू एन अपॉन टू फर्दर सोल्व करते हैं कॉमन ले लेते हैं और इनफैक्ट टू भी हमारे पास में इसमें डिवाइड में आ जाएगा तो ये बन जाएगा टू एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू टू डी कॉफ सीडा राइट तो ये हमारे पास में इक्वेशन तैयार होगी जिसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं कुछ इस टाइप से जो चीज मैंने आपको सोल्व करते हुए दिखाई है

ये बनेगा हमारे पास में 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा दैट इज टू प्लस बाई टू राइट और ये माइनस बाई टू ऑलरेडी यहां पर रखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमारे पास में इसमदा बाई टू से माइनस का ये लेमदा बाई टू प्लस का कैंसिल हो जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई में हमारे टू एन और डिवाइड में टू है तो टू से टू कैंसिल तो रिमेनिंग इज जो यहां पर बचेगा दैट इज एन ले

एक और टॉपिक है हमारे पास में वेवलेंथ का डिफरेंस पता करना उसके बारे में फर्दर मैं आपको बाद में बताऊंगा पहले देखते हैं कि वेवलेंथ किस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं तो यहां पर टॉपिक है हमारे पास में ऑफ वेवलेंथ बाय यूजिंग इंटरफेरोमीटर तो इसमें अब मैं डार्क फ्रिंज की कंडीशन यूज करूंगा क्योंकि डार्क फ्रिंज की कंडीशन जो है कंपेटिवली थोड़ा इजी पड़ती है आप चाहो तो सेम प्रोसेस यूज कर सकते हो ब्राइट फ्रिंज के साथ में राइट यहां पर आप चाहो तो ब्राइट फ्रिंज भी काम में ले सकते हो उसकी कंडीशन भी काम में ले सकते हैं टू डी थीटा

अब अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंस इन क्लोज वेवलेंथ डिफरेंस इन क्लोज वेवलेंथ का मतलब है कि कोई ऐसी वेवलेंथ हो जिनके कलर्स का डिफरेंस बहुत बहुत कम हो जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर अगर ये रेड कलर की लाइन मैं बना रहा हूं थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं हम लोग कुछ इस टाइप से और इसी के क्लोज में एक और रेड कलर यूज कर रहा हूं सपोज कि ये दो रेड कलर आपको नजर आ रहे हैं थोड़ा डार्क रेड है और एक लाइट रेड है बट इन दोनों का डिफरेंस अगर नॉर्मली देखा जाए काफी डिस्टेंस से अगर देखा जाए तो डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है हम लोग दूर से इसको सोचेंगे कि दोनों ही रेड कलर है बट एग्जैक्टली exactly इन दोनों में फर्क है और मान लो कि बहुत ही ज्यादा कम इनमें फर्क होता है जो नॉर्मल आई से हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या है कि से इंटरफेरोमीटर उन दोनों में डिफरेंस बहुत ईजीली बता सकता है कि उनकी वेवलेंथ में फर्क है तो कितना है एग्जैक्टली तो यहां पर हम लोग इसी टाइप से

लेकिन अभी आपको क्लियरली दिखे इसलिए मैंने येलो और ब्लू कलर को यूज किया इसमें ओके okay, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशन वही डार्क फ्रिंच की कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि हम लोग जानते हैं टू डी और तो अब इसमें वेवलेंथ का जो डिफरेंस पता करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डार्क फ्रिंच की कंडीशन अप्लाई करेंगे और डार्क फ्रिंच की कंडीशन भी कैसे कि एक येलो कलर के लिए इसके लिए और दूसरी हम लोग यूज करेंगे इसके लिए अगर आप डायग्राम में नोटिस करो तो यहां पर कहीं पर भी फॉर एन एग्जाम्पल मैं इस जगह पर अप्लाई कर देता हूं ध्यान देंगे तो मान लो येलो कलर की लाइट अगर इस जगह पर है तो जस्ट इसके नेक्स्ट हमारे पास में होगी इसकी एक ज्यादा ब्लू कलर की लाइन अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम प्लेस मैं इसको क्लियर कर देता हूं जिससे क्लियर दिखाई दे आपको देखो ब्लू कलर की अगर लाइट की बात करें ब्लू कलर की फिंच नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर राइट और येलो कलर के लिए अगर देखा जाए दिस इज नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री राइट तो नंबर थ्री एन एथ डार्क फ्रिंच ऑफ लैंदा वन वो कोइंसाइड कर रही है यह काफी क्लोज है एन प्लस वन एथ मतलब फोर्थ नंबर की रिंग एक ज्यादा तो एन प्लस वन एथ नंबर ऑफ ब्लू कलर तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहां पर लगाते हैं एन डार्क रिंग ऑफ एन वेवलेंथ या एन डार्क फ्रिंज ऑफ लैंदा वन तो यहां पर हमारे पास भी इक्वेशन बन जाएगी 2d cos θ n λ से 2d cos θ n λ1 जिसको हम लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है ओके okay, इसी तरह से अगर ब्लू कलर के लिए अप्लाई करें तो क्योंकि जैसे मैंने यहां पर दिखाया कि इसकी एक ज्यादा फ्रिंज हमें दिख रही है तो सेम कंडीशन अप्लाई हुई 2d cos θ n 1th फ्रिंज ऑफ व्हाट λ2 राइट तो 2d cos θ n 1 λ 2 ये दोनों हम लोगों ने यूज कर ली तो अब हमें क्या करना है जो माइकल से इंटरफेर मैंने आपको एक्सपेरिमेंट जब दिखाया था उसके बारे में मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया था पूरा उसका कि ये पिक्चरियल उसका रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें मैंने आपको एक माइक्रोमीटर स्क्रू के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में तो वो जो माइक्रोमीटर स्क्रू जैसे जैसे हम लोग घुमाते हैं मैंने बताया था कि जिस तरह से आप लोग इसको घुमाओगे तो यहां पर जो फ्रिजेस हैं आपको अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई देती है बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सपेंड हो रही हो तो अगर ऐसा कुछ होगा तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक एरिया इसका मार्क कर दू कि समथिंग दिस तो यहां से एक अगर फ्रिंच, येलो कलर की बाहर निकल रही है तो एक ज्यादा फ्रिंच निकलेगी कौन सी ब्लू कलर वाली राइट तो इसी चीज को मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं कि माइक्रोमीटर स्क्रू को अगर एक्स डिस्टेंस तो हमारे पास में उसके लिए कंडीशन बनेगी दैट इज एक्स इक्वल्स टू एन लेमदा वन बाय टू ये बिल्कुल हम लोगों ने वहीं से लिया है जो हम लोगों ने वेवलेंथ डिटरमिनेशन में यूज किया था तो ये हमारे पास में एक्स इक्वल्स टू एन लेमदा वन बाय टू और यहां से मैं क्या करूंगा एन की वैल्यू निकालूंगा

डिटरमाइन करेंगे वन और लैमदा टू का डिफरेंस तो इन दोनों रिलेशन को मैं यहां पर दिखा देता हूं यहां पर हमारे पास में एंड तो इन दोनों को हम लोगों को यूज करना है और लेमदा वन माइनस वैल्यू निकालनी है तो बहुत सिंपल सा मैथड है इसमें हम लोग क्या करेंगे एन प्लस वन और एन इनको माइनस करेंगे कुछ इस तरह से कि दिस तो लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों की जो दिख रही है आपको इस हम लोगों ने माइनस कर दी एन प्लस वन माइनस एन और इसी टाइप से राइट हैंड साइड भी माइनस होगी ये दोनों तो क्योंकि एन प्लस वन मैंने पहले लिया तो पर टू एक्स बायदा टू हम लोग पहले यूज करेंगे तो ये कर हमारे पास में कुछ इस तरह से आप लोग सोल्व कर सकते हैं इजीली हमारे पास में इस तरह की इक्वेशन रहेगी टू एक्स को कॉमन ले लेते हैं कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा हमारे पास में वन बाय ले टू माइनस वन बाय लेमदा वन ये हमारे पास में ब्रैकेट में रहेगा टू एक्स कॉमन यही चीज मैं आप लोगों को यहां पर शो कर रहा हूं इस तरह से और लेफ्ट हैंड साइड में जो कि एन से एन कैंसिल हो जाएगा ये चीज बचेगी रिलेशन बनेगा एलसीएम लेने पर पता क्या करना है दिस तो इसको सब्जेक्ट बनाकर रोक लेते हैं बाकी सब चीजें इक्वल्स टू के दूसरी तरफ तो कुछ से बन जाएगा हमारे पास में अब यहां लिख देते हैं क्वल टू भी दूसरी साइड ले जाएंगे लेंदा वन, लेंदा टू टू एक्स। और याद रखना ये टू एक्स क्या है ये एक्स वो डिस्टेंस है जो माइक्रोमीटर स्क्रू पर हम लोगों ने रोटेट की थी ठीक है माइक्रोमीटर स्क्रू बहुत छोटी डिस्टेंस मेजर करता है ये तो ये हमारे पास में डिफरेंस आ जाएगा इसी डिफरेंस को मैं यहां पर लिख रहा हूं कुछ इस तरह से राइट लेमदा वन इंटू लेमदा टू या टू इंटू लेन बात एक ही है तो लेमदा वन इंटू लेड बाय टू एक्स अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं को इसकी एवरेज वैल्यू बनाएंगे क्यों क्योंकि लैंदा वन और लैंदा टू पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिफरेंस बहुत कम है अंतर बहुत कम है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि अगर डिफरेंस बहुत कम है तो लैंबा वन प्लस 2 2, तो इनकी हमारे पास भी एक एवरेज वैल्यू आएगी जिसको हम लोग लिख सकते हैं एवरेज ठीक है तो वी कैन से कि एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू लेन एंड ऑल्सो इक्वल्स टू ले टू क्योंकि एवरेज वैल्यू अगर देखा जाए तो दोनों के बीच की एक वैल्यू होती है और वो इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से अप्रोक्सीमेटली रिपीटली तो इसको ठीक कर लेते हैं कि यहां पर भी हमें अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाना चाहिए राइट right? तो इस रिलेशन को हम लोग काम में लेंगे यहां पर यहां जैसे इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास से बनेगा ये लेमदा एवरेज का स्क्वायर क्योंकि लेमदा वन की जगह पर भी उन्होंने एवरेज रखा और लेमदा टू की जगह पर भी एवरेज रखा है दोनों की एवरेज वैल्यूज

तो इस रिलेशन के थ्रू हम लोग दो वेवलेंस के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं और वो वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए बहुत ज्यादा क्लोज अब इस चीज का और एग्जाम्पल दे सकता हूं जैसे कि आप लोग कोई भी एक शर्ट पहनते हैं या कोई भी स्वेटर कोई जैकेट वगैरह कुछ आप पहनते हैं जिसमें आपके पास में कलर्स का डिफरेंस बहुत कम हो कोई एक रेड कलर है उसके साथ में और दूसरा ऑरेंज कलर हो तो दूर से देखने पर आपको सिर्फ रेड कलर नजर आएगा ठीक है या कई बार ऐसा होता है कि सेम कलर हमारे पास में स्पेक्ट्रम टाइप में होते हैं लेकिन डिफरेंस नहीं कर पाते लेकिन माइकल से इंटरफेरामीटर बहुत इजीली इसको डिटमाइन कर सकता है इसका डिफरेंस बता सकता है तो यही है हमारे पास में माइकल से इंटरफेरोमीटर इसी के साथ में हमारा ये वीडियो बुक भी ओवर होती है फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो बुक के साथ में जिसमें हम लोग डिफ्रेक्शन पैटर्न और डिफ्रेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे